अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिकटॉक की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। गाइज़ जैसा कि आप लोग जानते हैं टिकटॉक को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है और ये जो है अब टिकटॉक वर्क नहीं कर रही, तो बहुत से लोग जो है इस वजह से परेशान हैं। तो मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूँ जिसको यूज़ करके आप लोग टिकटॉक को पाकिस्तान में चला सकते हैं, एक ऐसा तरीका जिसको यूज़ करके आप अपनी वीडियोज़ को फॉर यू पे ला सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्रिएटर जो है वो टिकटॉक अब यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी टिकटॉक अकाउंट को कोई ख़तरा लाग ना हो। इसलिए छोटे यूज़र अब ऊपर आएंगे, आप लोग जो है वो वीपीएन को यूज़ करके टिकटॉक पे अपनी वीडियोस को फॉर यू पे ला सकते हैं। तो मुकम्मल तरीका आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे टिकटॉक चला के दिखाता हूँ कि जो है वो डेटा पे विदाउट वीपीएन जो है टिकटॉक चल रही है या नहीं चल रही। तो देखें यहाँ पर मैंने तो थोड़ा अभी वो किया था, वीपीएन यूज़ किया था, तो मैं अभी आप लोगों को दोबारा बैक चल के दोबारा इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि चल रही है या नहीं चल रही। तो आप देखेंगे कि इस तरह आप लोगों के सामने आएगा नेटवर्क नॉट कनेक्शन, तो इस तरह आप लोगों के सामने आएगा, इसका मतलब है कि टिकटॉक जो है वो नहीं चल रही। अब आपको कौन सा तरीका अपनाना है जिससे जो है वो टिकटॉक आप लोग चला सकते हैं, तो सिंपली मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताता हूँ कि सुपर वीपीएन काम कर रहा है या नहीं। ये देखिए मेरे पास जो है वो सुपर वीपीएन मौजूद है, एक और वीपीएन भी मौजूद है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हम सुपर वीपीएन को कनेक्ट करके देखते हैं कि किस तरह ये कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। कल भी मैंने सुपर वीपीएन कनेक्ट किया था, आज भी किया है, लेकिन सुपर वीपीएन काम नहीं कर रहा। इसकी वजह से पता नहीं क्या वजह है, लेकिन आपको लोगों को मैं यहाँ पे जो है वो करके दिखाता हूँ, शायद अभी ये वर्क करना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा सुपर वीपीएन जो है वो कनेक्ट हो गया है। अब आप लोगों ने अब क्या करना है, सिंपली बैक चले जाना है, ठीक है, हमारा वीपीएन जो है वो कनेक्ट हो चुका है। अब बैक चले जाना है और बैक जाने के बाद आप लोगों ने दोबारा यहाँ पर टिकटॉक को ओपन करना है। तो हमारी जो है वो टिकटॉक ओपन हो गई है, तो आप देखें अभी भी सुपर वीपीएन जो है वो वर्क नहीं कर रहा इस टिकटॉक पे, ठीक है ना। सुपर वीपीएन जो है वो वर्क नहीं कर रहा, आप जैसा मर्ज़ी यहाँ पे कर लें लेकिन सुपर वीपीएन यहाँ पे काम नहीं कर रहा। अब मैं आप लोगों को एक और वीपीएन का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्राहम कर दूँगा, वो आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है और उसको कनेक्ट कर लेना है। वो सुपर वीपीएन हम कनेक्ट करके देखते हैं कि वो किस तरह अगर कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये सुपर वीपीएन जो है वो कनेक्ट नहीं हो रहा। तो आप लोगों ने सिंपल बैक चले जाना है, बैक जाने के बाद दोबारा इस पर क्लिक करना है और इसको सिंपली आप लोगों ने डिसकनेक्ट कर देना है। तो ये यहाँ पे डिसकनेक्ट हो चुका है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे सिक्योर वीपीएन आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसको आप लोगों ने सिंपली डाउनलोड कर लेना है। सिक्योर वीपीएन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, इसको हम आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इसको ऊपर क्लिक करना है और इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि इसको कनेक्ट करना है। ये जैसे ही कनेक्ट होगा तो आपका जो है वो टिकटॉक चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे आईपी पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे आईपी पाकिस्तान का आ चुका है, यानी कि पाकिस्तान में चलेगा, और सिटी पंजाब, सिटी लाहौर, सिटी कंट्री, यानी कि यहाँ पे ये आ चुका है कि आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। ये आप लोगों के सामने ऐड भी शो हो रहे हैं, इसको क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद आप लोगों ने सिंपली जो है वो लोकेशन पे क्लिक करना है, तो जहाँ की आप लोग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। सिंपली सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जर्मनी की जो है वो फ्री है 172 मिनट जो है एमएस है इसकी, नेदरलैंड 174 एमएस, इटली 178 एमएस, ठीक है, ये यानी कि इसकी स्पीड है। तो आप लोगों ने कोई सी लगा लेनी है, हम जर्मनी वाली यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली बैक आना है, बैक आने के बाद आप लोगों ने दोबारा यहाँ पे क्लोज़ करना है और यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने कनेक्टेड कर देना है। तो जैसे ही ये आप लोगों के सामने कनेक्टेड होगा तो आपकी जो है टिकटॉक वर्क करना स्टार्ट कर देगी। अब मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ, आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो आप इन दोनों यूज़ ना करें तो बेहतर होगा, वरना आपकी आईडी भी यहाँ पे जा सकती हैं। लेकिन एक बार यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि आप लोग अगर यहाँ पे ये टिकटॉक यूज़ करेंगे, अगर आपकी आईडी इतने ज़्यादा फॉलोवर नहीं है तो आपकी वीडियो फॉर यू पे भी जा सकती है। सबसे पहले रीज़न क्यों आपकी वीडियो फॉर यू पे जाएगी,
तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं जिनके मिलियन फॉलोअर हैं वो टिकटॉक यूज़ नहीं कर रहे इन दिनों, तो आपकी वीडियो जो है वो फॉर यू पे जा सकती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं लेकिन उनके फॉलोअर कम है, जो कि मिलियन फॉलोअर में है वो टिकटॉक यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि पाकिस्तान में बैन हो चुकी है और वो चाहते हैं कि उनकी आईडी जो है वो परमानेंटली बैन ना हो। तो छोटे यूज़र ये काम कर सकते हैं, उनकी आईडी को तकरीबन कुछ नहीं होगा। जो बड़े यूज़र जो हैं वो इससे हिचकिचाते हैं कि हमारी आईडी जो है वो ख़त्म ना हो जाए। तो आप लोग अपनी वीडियो को फॉर यू पे ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है वो VPN कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद अब हम लोग जो है वो टिकटॉक ओपन करके देखते हैं कि हमारी टिकटॉक चल रही है या नहीं चल रही। तो यहाँ पे मैं टिकटॉक को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे जो है सिंपली जो है वो टिकटॉक चलना स्टार्ट और हो चुका है। जी हाँ, तो देखें हमारी जो है वो टिकटॉक इस VPN पे चलना स्टार्ट हो चुकी है। आप भी इस तरह इस VPN को यूज़ करके टिकटॉक जो है वो चला सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, ये देखें सिर्फ 100 कमेंट हैं, ठीक है, 7597 जो है इसके लाइक हैं, मीन कि ये छोटा यूज़र है। देखें बहुत कम ही जो है वो इनको फॉलोअर मिल रहे हैं। तो आप देखें कि ये नए नए यूज़र हैं और ये अपनी वीडियोस फॉर यू पे ला रहे हैं इन दिनों में जबकि टिकटॉक पाकिस्तान में बैन है। तो आप सुपर VPN को यूज़ करके टिकटॉक पे वीडियो अपलोड कर लें और उसी वक्त उसको डिसकनेक्ट करें, ज़्यादा देर टिकटॉक यूज़ ना करें वरना आपकी आईडी भी जा सकती है। तो आप लोग इस तरह का ये तरीका इस्तेमाल करके जो है अपनी वीडियोज़ को फॉर यू पे ला सकते हैं और अपने आप पाकिस्तान में जो है वो टिकटॉक को यूज़ कर सकते हैं इस सिक्योर VPN के ज़रिए। तो जो है सुपर VPN वो काम नहीं कर रहा, आप सिक्योर VPN जो है वो कनेक्ट करके देखें। मुकम्मल तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर मज़ीद कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।